आ रही है लखनऊ में जज के बेटे ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल ये पूरा मामला जो सामने आया वो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर था। बताया जा रहा है कि जिस तरह से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर की गई और उसके बाद में गाड़ी उठा ली गई यहाँ पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से, उसके बाद में जमकर बवाल करते हुए यहाँ पर एक शख्स नजर आया, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धमकाता हुआ दिखाई दिया, चीखते हुए कहा कि गाड़ी कैसे उठा ली है तुमने। जज के बेटे के धमकाने वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमसे कोई मतलब नहीं, मेरी अभी ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारे, खोलो इसको अभी, कभी बोले कि नहीं खुलवाओ, अभी खुलवाओ कि चार झापड़ खाओगे तब जाओगे, खुलवा रहे हो कि नहीं। तो मुझसे क्यों चिल्ला रहे आप, थप्पड़ खाए गए जेल में जाकर चक्की पीते, तो मुझसे खुलवा रहा है कि नहीं। वो ऐसे नहीं सर, उसके लिए बात कर लीजिए अधिकारी से, अधिकारी से आप बात कर लो। मैं कौन हूँ? अरे तो आप बात कर लीजिए सर। तूने उठाई कैसे? मैं गाड़ी लेने नहीं जाता। गाड़ी वहाँ खड़ी है, तुम्हारी गाड़ी मिली उठाने के लिए? नहीं तो मैं गाड़ी लेने, किसी को कहीं जाना है अर्जेंट काम है, तुम्हें यही गाड़ी मिली उठाने के लिए? कचहरी में आज प्रयोग जमा करा बता रहे, अधिकारी से बात कर लीजिए, किस अधिकारी से बात करूं? किस अधिकारी मैं बात करूं? अभी ऐसी तैसी कर दूं, खुलवा रहे हो कि नहीं? सर मैं खुलवाओगे कि नहीं? मुझसे मत कहिए, मैं नहीं खुलवा सकता इसे। तू थाने में चल के खुलवाएगा क्या? तू थाने में चार झापड़ खाएगा तब खुलवाएगा? मुझे ना बताइए सर, जो मैं गाड़ी लेके नहीं, मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी काटने की। जिससे कहना उससे कहे खुलवा इसको अभी इसी वक्त। वो अधिकारी से बात करने के बाद ही सर खुलेगा ना। कौन अधिकारी है? कहाँ? जॉइंट सीपी सर है। कहाँ है वो? जॉइंट सीपी को मैं यहाँ बुला के लाऊं? मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, जॉइंट सीपी को बात करूँ मैं यहाँ पे। सर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा, आप बात करके देख लीजिए क्या लिखा है। तो आपने लखनऊ की ये तस्वीर देखी है, आपको बताते चले कि ये युवक काफी देर तक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उलझता रहा, लेकिन आखिरकार बाद में 1100 रुपए जुर्माना देकर कार छुड़वाई गई। यानी शख्स की हनक जो बार बार ये पुलिसकर्मी पर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर जो दिखा रहा था, वहां पर वो हनक नहीं चली, कानून तोड़ा, उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। इस युवक के पिता का नाम पद्माकर त्रिपाठी है जो मेरठ फैमिली कोर्ट में जज है। फिलहाल मेरे साथी लखनऊ से मनीष यादव इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष का रुख कर लेती हूँ। मनीष, हमने देखा इस तरह की कई बार मौके सामने आते हैं जब पिता के पद की हनक दिखाते हुए उनके बच्चे सही तरह से वहां के जो पुलिसकर्मी हैं या फिर वहां के जो ये कहा जाए जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ में उलझते नजर आते हैं। जरा ये बताइए कि पूरा मामला क्या था, क्या ये वीडियो सामने आने के बाद में भी कोई एक्शन लिया गया है? लेकिन एना हानक और रसूख के सहारे इस तरह के पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामले और खासतौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मियों को धमकाने के मामले और ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत सारे वायरल हुए हैं। दरअसल लखनऊ पुलिस एक अभियान चला रही है कि जहां भी नो पार्किंग जोन हो वहां पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। अगर गाड़ी पार्क की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान काटा जा रहा है, नगर निगम की सहायता से उन गाड़ियों को उठवाकर जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जा रही है। और कल भी लगभग 65 वाहनों के खिलाफ ऐसे एक्शन लिया गया था। एक जिला जज गाड़ी लिखी हुई हजरतगंज के नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी, उसको लेकर भी नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उस गाड़ी को उठवाकर हजरतगंज में जहां पर स्थान चिन्हित है वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये भाई साहब उल्टी सीधी बातें पुलिसकर्मियों को कह रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हनक दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पिता बहुत बड़े अधिकारी हैं, न्यायिक विभाग में काम करते हैं और गाड़ी उठाने की हिम्मत कैसे हुई, जॉइंट सीपी का हवाला पुलिसकर्मी दे रहा है, उस पर दबाव बना रहे हैं। तो वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी हुई है, ये गाड़ी किसी जज की है कि नहीं, ये किसी जज के बेटे हैं कि नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। और जो बदतमीजी वहां पर तैनात नगर निगम और पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मियों के साथ हुई है उसको लेकर भी पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। हालांकि रसूख के जो हनक दिखाने की कोशिश थी, जो रसूख दिखाने के इरादे के साथ चीख रहे थे ये साहबजादे, इनकी एक नहीं चली। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो नियम होता है कि अगर कोई गाड़ी नगर निगम कहीं से उठाता है, टो करता है, तो 1100 रुपए शुल्क चुका कर ही उसे छोड़ा जाता है, वही इनके साथ भी हुआ। और केवल इनके साथ नहीं बल्कि राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी भी कुछ दिन पहले इसी तरीके से उठाई गई थी। उस गाड़ी भी मैं भी विधानसभा के सामने, वो नो पार्किंग जोन में तैनात थी, कोई ड्राइवर नहीं था, 1100 रुपए चुका कर ही वो गाड़ी छोड़ी गई। बिल्कुल। और मनीष, ये देखिए कि भाई नियम जो है वो
सबके लिए है, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो या फिर कोई आम इंसान। अगर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पर भले ही कितने हनक, भले ही कितनी बदतमीजी और जिस तरह से गुंडा करती करते हुए जज का ये बेटा नजर आया, उसके बाद में भी आखिर हर्जाना भरना ही पड़ा।